Hello everyone, good morning all of you. I am Naresh Mohal, PGT Mathematics. Today's topic section formula. 10th class की coordinate geometry जो 7th chapter हमारा चल रहा था उसके अंदर section formula आज हम करने वाले हैं. और section formula क्या है इसको अच्छे से आप समझिए. देखिए A और B हमें two points को join करने वाली line AB दे रखी है और इस AB line को कोई point other point P divide कर रहा है. Divide point कर रहा है और वो किस ratio में कर रहा है वो ratio भी हमें given होता है. हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं. सेक्शन फार्मूला से हमें किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइंस को कोई पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, रेशो अगर गिवन है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. और अगर हमें जो डिवाइड कर रहा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम रेशो भी फाइंड कर सकते हैं. यानी हम यहाँ से दो चीजें फाइंड करेंगे. तो सेक्शन फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखिए. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई, P के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को, तो उसके जो कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे. इधर रेशो दिया होगा हमें 2, 3, 4, 5 कुछ रेशो गिवन होगा. पहले रेशो को M1 डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को M2 से डिनोट कर रहे हैं. तो M1 X2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस M2 की X1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों रेशो का सम आता है M1 M2 कॉमा ये X कोऑर्डिनेट आया ओनली क्योंकि हमने X के साथ मल्टीप्लाई किया है. अब Y कोऑर्डिनेट के लिए M1 Y2 और M2 Y1 डिवाइड बाय M1 M2. ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट. ये सेक्शन फार्मूला है. जब हमें किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट के अगर रेशो गिवन है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. और अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम ये रेशो भी फाइंड कर सकते हैं. आपने अच्छे से याद रखना है, नेम से याद रखना है, सेक्शन फार्मूला है ये. आपसे कोई सेक्शन फार्मूला पूछे तो आप इस तरह ए बी के जनरल X1 Y1 X2 Y2 कोऑर्डिनेट ड्रा करके आप सेक्शन फार्मूला ये लिखेंगे. और एक इसमें इसी का स्पेशल केस है, इसी से ही बना हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब अगर ये M1 और M2 रेशो इक्वल हो जाए, 1:1 यानी बिल्कुल ये बीच में हो. सेक्शन फार्मूला में तो ये बीच में होना कोई जरूरी नहीं है, इधर भी हो सकता है, इधर भी ज्यादा हो सकता है. रेशो 2, 3, 1, 5, 1, 8 कुछ भी रेशो हो सकता है. बट अगर किसी स्पेशल केस के अंदर P हमारा बिल्कुल A B के मिड पॉइंट पे है, बीच में है बिल्कुल, यानी इधर जितना रेशो है उधर ही उतना है, यानी रेशो सेम होगा 1:1. तो इसमें अगर M1 और M2 की वैल्यू अगर 1:1 पुट करें तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है. इस फार्मूले का स्पेशल नेम है मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला आपने याद रखना है कि नहीं दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट गिवन और उनको हमें मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो X1 X2 दोनों XX के कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे बाय 2 और दोनों YY वाले कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे बाय 2. तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है और ये सेक्शन फार्मूला है. दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं. पूरी की पूरी 7 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज हमारी है, सेकंड एक्सरसाइज, वो सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले पे बेस्ड है. हम जल्दी से सम की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट सम मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सम के अंदर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और रेशो भी हमें गिवन है. हमें उसके जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज डिवाइड द जॉइन पॉइंट 1-7 and 4-3 इन द रेशो 2:3. फर्स्ट सम के अंदर हमें ये पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट बीच में डिवाइड कर रहा है, रेशो भी हमें गिवन है. उस पी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने, इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा M1 M2 की रेशो जो वैल्यू है वो हमें यहाँ दे रखी है 2:3 हमें दे रखी है वहाँ पे. तो फर्स्ट आप इस फार्मूले से ट्राई कर लेंगे, पॉइंट यहाँ रखेंगे, रेशो यहाँ रखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आने हैं तो यहाँ सभी की वैल्यू पुट करोगे, सही कैलकुलेशन करोगे, आ जाएगा. सेकंड सम मैं यहाँ करा रहा हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ थ्री सेक्शन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4-1 and 2-2 and -3. सेकंड सम हम कर रहे हैं, हमें एक पॉइंट ये 4-1 गिवन है, दूसरा -2-3 गिवन है. इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के थ्री सेक्शन डिवाइड में करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले. थ्री सेक्शन का मतलब उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये. कहने का मीनिंग हमारे बीच में टू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें. इस बार हमें टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. रेशो भी गिवन नहीं है हमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से गिवन है. वहां थ्री सेक्शन लिखा है इसका मतलब हम पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. पी के जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर हमारा एक पार्ट बचा है देखिए और इधर हमारे टू पार्ट्स बचे हैं, तो ऑटोमेटिकली रेशो हमारा 1:2 हो जाएगा.
अब ये सेक्शन फार्मूला लगाना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 और जो ये p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, एक बार क्यों को भूल जाइए, p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, p के लिए इधर 1 पार्ट है तो 1 रेशो हो गया, इधर 2 पार्ट बचे तो 2, m1 m2 की वैल्यू 1 रेशो 2 लेकर के सेक्शन फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे और p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए, तो ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली q के जब कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो q में देखिए इस साइड 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट्स है, इधर डबल है, तो q के लिए हमारा जो रेशो है वो 2:1 हो जाएगा, m1 की वैल्यू इसमें 2 होगी, m2 की वैल्यू 1 होगी, ये रेशो लगा करके और सेक्शन फार्मूला लगा करके q के कोऑर्डिनेट भी आप सिमिलरली निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, p के ये कोऑर्डिनेट आ गए, सिमिलरली रेशो चेंज हो जाएगा, उसमें 2:1 होगा, p के अंदर 1:2 है तो उससे q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, p और q दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो ये p और q वो पॉइंट्स होंगे जो पूरी ab लाइन को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, आप ट्राई करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थर्ड सम को एक बार आपने छोड़ देना, जैसे हम क्लासरूम में मिलेंगे तो उस टाइम हम कर लेंगे। फोर्थ सम की तरफ देखिए, फाइंड द रेशियो व्हिच ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3:10 एंड -6:-8 इज डिवाइडेड बाय -1:6। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को एक बीच में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट इस बार गिवन है, रेशियो फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशो फाइंड करना है। हमने मान लिया लेट p इज डिवाइड ab इनटू m1 रेशो m2, हमने रेशो मान लेना है, अगर हमें रेशो गिवन नहीं है तो हमने m1 m2 रेशो मान लिया। अब p पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं सेक्शन फार्मूले से, इसको m1 कई जगह m1 ही रखेंगे, m1 6 m1 हो जाएगा, इधर m2 की इसके साथ -3, तो ये सेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने और यहाँ पे ये p के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए हैं सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग और 6 p के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन भी है, तो p के कोऑर्डिनेट ये और p के कोऑर्डिनेट ये है, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। कोऑर्डिनेट जब इक्वल होते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है, और यहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट रख दीजिए आंसर आपका आ जाएगा, चाहे आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के बराबर रख दें, चाहे आप सेकंड के बराबर रख दें, दोनों रखने की जरूरत नहीं है, एक से आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने फर्स्ट के बराबर रखने, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर होता है, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर होता है, जब दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये इसके 1 के इक्वल रखा, 1 के बारे में कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 वाले एक साइड और m2 वाले एक साइड किया, फिर ये m2 इसके डिवाइड में आ गया और इधर ये 7 डिवाइड में चला गया, m1 बाय m2 का मीनिंग हुआ m1 रेशो m2, ऊपर वाला पहले लिखते हैं, तो इसको रेशो में ऐसे लिखा जा सकता है, डिवाइड में, डिवाइड को ऐसे रेशो में लिखा जा सकता है, m1 रेशो m2 है वो 2:3 आ गया, यानी जो पॉइंट दे रखा है हमें -1 और 6 पॉइंट, वो इन ए और बी दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपने सम ट्राई करने हैं। जो फिफ्थ सम है, फाइंड द रेशियो इन विच ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, वहां पे नाम लिखा है एक्स एक्सिस, मैं फिफ्थ सम का आपको हिंट दे रहा हूं, आपने ट्राई करना है, वहां पे ए और पॉइंट ए और बी हमें इसी सम की तरह दिया हुआ है, फोर्थ सम की तरह ही, फिफ्थ सम के अंदर यहाँ पी के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ने दे करके हमें लिखा हुआ है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक्स में पॉइंट किस फॉर्म के होते हैं, ऐसे होते हैं, एक्स का हमें पता नहीं है, कुछ भी एक्स कुछ भी हो सकता है, बट ये फिक्स है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि नेम एक्स एक्सिस आ चुका है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो, मैं लाइन ड्रा करना चाहूँ एक्स एक्सिस कहीं पर भी, एक्स एक्सिस मान लीजिए ये है तो पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पर भी है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट फिक्स है कि वाई की वैल्यू वहां 0 होगी, तो एक्स एक्सिस पे इसलिए पॉइंट इस फॉर्म का होगा, m1 m2 मान करके p के कोऑर्डिनेट निकाल लेना और वो किसके बराबर होंगे, वो x0 के बराबर होंगे, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होता है, बट यहाँ याद रखना कि पहले को पहले के बराबर हम नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे इस बार, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, m1 m2 की वैल्यू नहीं आएगी, हम सेकंड को 0 के बराबर रखेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, झट से हमारा m1 m2 रेशो आ जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना, अगर यहाँ गिवन होता ना x, मान लो 8 या 5 कुछ भी गिवन होता तो हम फर्स्ट भी रख सकते थे, तो इस बार हमें ध्यान रखना है जो पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है उसी के बराबर रखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट रखेंगे फिफ्थ के बराबर, फिफ्थ सम के अंदर सेकंड कोऑर्डिनेट 0 के बराबर रखेंगे, m1 m2 रेशो आ जाएगा, 5 सम आज तक आपने ट्राई कर लेना, कल हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जल्द स्पीड से जो सिलेबस है वो आगे बढ़ता हुआ, कोऑर्डिनेट चैप्टर हमारा चल रहा है, 3 एक्सरसाइज है इसकी, और हमारी सेकंड एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 5 सम किए, सेक्शन फार्मूला और जो मिड पॉइंट फार्मूला वो अच्छे से आपने याद रखने, और सभी समों को ट्राई करना है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सम में कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए मोस्ट वेलकम है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल विंडो में पूछ सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को समाधान है।
किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।